ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपका जो डाइवोर्स केस है वो चल रहा है तो क्या उसके रिगार्डिंग आप अपने जो ससुराल है वहाँ जाके रह सकते हो या नहीं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जी, बिल्कुल रह सकते हो। सपोज आपका डाइवोर्स केस चल रहा है, ठीक है, वो चल रहा है 2 सालों से, ओके, तो आपको पूरा राइट है अपने घर में जाके रहने का, जब तक आपको डाइवोर्स की डिग्री नहीं मिल जाती या फिर जो डाइवोर्स का अपील का टाइम पीरियड नहीं निकल जाता तब तक आपको उस घर पे रहने का अधिकार है, ठीक है। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है, देखो जब डाइवोर्स नहीं हुआ, जब तक डाइवोर्स नहीं हुआ तब तक तो आपको राइट है ना, जिस दिन डाइवोर्स हो जाता है उस दिन अपील का टाइम निकल जाता है, जो 90-60 दिन का होता है, जो भी सब कुछ निकल जाता है, तब आप अलग जाके रह सकते हो, यानी कि आपको घर में एंट्री नहीं देंगे, वो अलग बात है, ठीक है। अगर डाइवोर्स के बाद भी बहुत ज़्यादा प्यार है तो रख सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है। अब सिमिलरली अगर आपका डाइवोर्स केस चल रहा है, ओके, और आपको अपने मायके में रहने में दिक्कत हो रही है तो आप अपने ससुराल में जाके रह सकते हो, वो आपका राइट है जब तक आपके पास डिग्री नहीं आई है, ओके। अब सपोज़ मैं आपको इमोशनली उससे बताता हूँ, सपोज़ यार किसी का जो केस है, ठीक है, वो ऐसे तो 10 साल चल रहा है, मान लो 10 साल चल रहा है, तो क्या जो वाइफ है वो 10 साल बाहर ही रहेगी, नहीं ना, उसको राइट है ना। अब सिमिलरली डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में भी ऐसा होता है, तो काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस में अगर चल रहा है केस तो जाके रह सकती है वाइफ या नहीं, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन भी यही है कि हाँ वो जाके रह सकती है, ओके, तो कोई उसे रोका टोकी नहीं है, वो जाके रह सकती है, कोई इश्यू नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूँ, जो आपने मैरिज किया ना वो लीगल मैरिज किया है, ठीक है, आपने ये तो नहीं किया ना, तो ये तो नहीं किया ना आपने, एक लीगल मैरिज किया, तो आपको बिल्कुल राइट है, जैसे ही आपने शादी की वो 7 फेरे लिए आपके राइट्स अराइज हो गए अपने आप, ठीक है, तो आपको राइट है वहाँ जाके रहने का, बेशक आपका डाइवोर्स चल रहा है या नहीं। अगर सीधी बात, अगर डिग्री पास हो जाती है और उस दोनों पार्टी की मर्जी से, अगर उसमें अपील का जो टाइम है वो भी निकल जाता है तब अलग बात है, अगर चल रहा है तो आप जाके रह सकते हो। अब आप खुद सोचो यार, ऐसे तो 10 साल चले केस, तो क्या 10 साल वाइफ बाहर रहेगी क्या, नहीं ना, तो उसको उसका रहने का राइट है, ओके। अब लोगों को समझ नहीं आती तो वो अलग बात है, लेकिन वैसे आपका राइट है, ओके। तो ये तो हो गई कुछ जनरल बातें, अगर कोई आपकी पर्सनल क्वेरी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ नंबर्स हैं, वहाँ जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो पेड में, ठीक है। अगर आपको फ्री में कॉन्टैक्ट करना है तो इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो करके अपनी क्वेरी लिख सकते हो, ओके। सो आई होप इट इज़ क्लियर, चिल गाइस।